हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम हिस्ट्री आईआरसी जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 2 वालों के लिए स्पेशली बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं स्टूडेंट्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। वो किसी भी तरीके से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को बढ़िया से देखना है और इसको बना भी लेना है, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चंस बताएंगे क्योंकि इसमें पॉइंट ज़्यादा है हिस्ट्री में, ठीक है। इसलिए और 20 क्वेश्चंस के बाहर आपका रहने वाला है ही नहीं। अब आप लोग ऐसा नहीं बोलिएगा कि सिलेबस को ही आप कर दिए सर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना सिलेबस का क्वेश्चन बना दें हम, ठीक है। सिलेबस से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, सिलेबस से ही क्वेश्चन हम भी बनाएं, ठीक है। और सिलेबस से ही आपका गेस पेपर भी आता है, सिलेबस के बेस पर ही आपका बुक आता है, ठीक है। तो सिलेबस के बेस पर ही हम क्वेश्चन बनाएं और इतने सारा क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा तो 100 में 100 नंबर आप ला सकते हैं। भले ही आपके मतलब कि राइटिंग वगैरह के कारण काटे तो काटे, लेकिन आप लोग के लिखने की वजह से नहीं काट सकेगा, ये गारंटेड है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन को तैयार करके रखिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके नगर नियोजन के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना है, लिख लेना है घड़ी में, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से लिख पाएँ। तो नगर नियोजन व्यवस्था पर सिर्फ फोकस करना है इसमें। और आगे देखिए वैदिक युग के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें, तो यहाँ संक्षिप्त जानकारी हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें संक्षिप्त जानकारी ही पूछा जाएगा, पूरा विस्तृत रूप से आपको नहीं पूछा जाएगा आईआरसी पेपर में, ठीक है। अब देखिए ऋग वैदिक युग का सामान्य परिचय दें, तो ऋग वैदिक युग किस प्रकार से अन्य युगों से अलग था, उसमें क्या क्या खास चीज़ हुआ, ये कुछ कुछ आज आप लोग को रखना है। इसके बारे में आएंगे एशंस स्पेशली मास्टर वीडियो भी आएगा, तो आप लोग उसको भी देखने के लिए तैयार रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप तुरंत देख पाए, ठीक है। अब आगे देखिए उत्तर वैदिक युग का सामान्य परिचय दें, तो उत्तर वैदिक युग के बारे में भी कुछ कुछ सामान्य परिचय आप लोग को लिखना है कि कितना से कितना समय तक उत्तर वैदिक काल चला, इसमें क्या कुछ अन्य काल से अंतर थे, अन्य युगों से ज़्यादा मतलब किस प्रकार अंतर था, ठीक है। इस तरह से महाजनपदों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो महाजनपद कहते किसको हैं, कितने हैं, कहाँ हैं, ये सारा कुछ आप लोग को लिख देना है मेनली, ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करें, तो बौद्ध धर्म के बारे में लिख देना कि इसके प्रवर्तक कौन थे, कब शुरू हुआ, कहाँ हुआ, ये सारा कुछ। अब जैन धर्म के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करना, तो इसके बारे में भी कुछ कुछ स्पेशली लिखना है, महावीर वगैरह के बारे में कि कब जन्म हुआ, कब हुआ, कब क्या प्रवर्तक हुए, पार्श्वनाथ कौन थे, ये सारा कुछ, ठीक है। अगला देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तथा मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त तथा मौर्य साम्राज्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी इसमें पूछा जा रहा है और मौर्य साम्राज्य के बारे में भी पूछा जा रहा है, तो दोनों के बारे में आप लोग को पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है इस पॉइंट से, ये दो पॉइंट से, चंद्रगुप्त से और इसके साम्राज्य से, ठीक है। अब देखिए अगला है गुप्तों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें, तो गुप्त जो होते हैं उनके बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा जानकारी ले लेना है, ठीक है। और आगे देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं विघटन के बारे में बताइए, तो दिल्ली सल्तनत जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, कौन किया था, कैसे हुआ, इसके बारे में, और विघटन कैसे हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये सारा कुछ। और कहाँ तक पहुँचे थे तो दिल्ली सल्तनत ना, आगे देखते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं विघटन के बारे में बताइए, तो मुगल साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था कौन किया था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और विघटन कैसे हुआ, किस शासक के बाद हुआ, कब हुआ, ये सारा कुछ। बहमनी साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये साम्राज्य कहाँ था, कब स्थापित हुआ, किस इसके प्रवर्तक कौन थे, ये सारा कुछ। आगे देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी वर्णन करें, तो विजयनगर साम्राज्य कहाँ था, कौन से राज्य में था, इसके साम्राज्य के निर्माता कौन थे, क्या क्या व्यवस्था था, ये सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए आदिवासियों के विद्रोहों के बारे में बताएं, तो आदिवासी लोग कितना सारा विद्रोह कर दिए, ठीक है, अंग्रेजों के लिए, तो कौन कौन से विद्रोह किए थे उसके बारे में आप लोग को याद रखना, संथाल विद्रोह वगैरह। देखिए यहाँ स्पेशली लिख भी दिए हैं, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करें, तो ये सारा कुछ आप लोग को तैयार कर लेना है। 1857 के विद्रोह के कारण, देखिए 1857 का क्रांति तो हुआ था और सफलता नहीं मिल पाया, ठीक है, और तो उसका क्या कारण था, पहले ये लिख लेना है कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या था, फिर प्रकृति किस प्रकार से नेचर रहा उसका और प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, प्रभाव कुछ अच्छा पड़ा या खराब पड़ा, क्या पड़ा उसके बारे में। आगे देखते हैं कांग्रेस के बारे में आप क्या बता सकते हैं, तो कांग्रेस के बारे में आप क्या जानते हैं, ए ओ ह्यूम के बारे में जानते हैं और कब स्थापना हुआ उसके बारे में जानते होंगे,
और इसके गठन के बारे में बताइए, तो इसके और भी प्रवर्तक वगैरह के बारे में भी लिखना है, ठीक है, और कहाँ हुआ था गठन, ये सारा कुछ। गांधी जी के आंदोलन को लिखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखिए। तीनों आंदोलन में से किसी से भी आ सकता है, ठीक है, आप लोगों को तैयार कर लेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी बताइए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ भी आ सकता है या फिर हिंद फौज के बारे में आएगा, ठीक है, दोनों में से कोई आएगा। आगे देख रहे हैं, तो भारत की स्वतंत्रता और इसके विभाजन के बारे में बताइए। तो भारत का विभाजन कौन किया, कब हुआ, ये सारा कुछ से भी रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो चलिए ये सारा कुछ आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इंग्लिश में देखते हैं। थ्रू लाइट ऑन द टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैदिक एज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द वैदिक एज एंड फोर्थ क्वेश्चन गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द लेटर वैदिक एज एंड फाइफ्थ क्वेश्चन व्हाट डू यू नो अबाउट महाजन पदाच। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बुद्धिज्म, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जैनिज्म, गिव अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्त एंड मौर्य एम्पायर, गिव ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट गुप्ताज, टेल अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट एंड डिस्टिंग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और आगे देखते हैं सर, टेल अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, व्हाट डू यू नो अबाउट बहमनी किंगडम, ब्रीफली डिस्क्राइब द विजयनगर एम्पायर, टेल अबाउट द रिविलियन ऑफ ट्रिबल्स, प्रेजेंट ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट कोल्ड रिविलियन, संथाल रिविलियन एंड बिरसा मुंडा। और आगे देते हैं तो 16th नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द काउजेज नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कैन यू टेल अबाउट कांग्रेस, टेल अबाउट इट्स फॉर्मेशन। तो आगे देखते हैं सर, राइट अबाउट गांधी जी मूवमेंट, राइट अबाउट नॉन कॉम्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। और नेक्स्ट विल गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑल्सो टेल अबाउट आजाद हिंद फौज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड इट्स पार्टीशन। तो ये सारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसके बाहर से क्वेश्चन आप लोग के नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आप लोग भेज दीजिएगा हमको व्हाट्सएप में और वहाँ से आप लोग को बता देंगे, सारा का सारा इसी से आया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है कि क्वेश्चन हम रेडी कर दिए, ये सारा क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे कि मास्टर वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देखने के लिए तैयार रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर प्राइवेट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी ज्वाइन कीजिए, बहुत ही बढ़िया कंटेंट वहाँ मिलेगा, ठीक है। और जूम मीटिंग वगैरह का भी सुविधा है, तो थोड़ा फीस भी लगता है, 99 रुपीज़ लगता है IRC का, बट बहुत ही बढ़िया फैसिलिटेशंस, तो वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।